Good morning, students. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. Today we will be discussing a very interesting topic, that is consumer loan. It is also known as consumer lending, consumer credit, personal loan or retail lending. तो कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है बैंक का, जो कस्टमर है वो अपने स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए, अपनी नीड्स के लिए जब कोई बैंक से कोई लोन लेता है, दैट इज फॉर पर्सनल यूज और फॉर हाउस होल्ड पर्पजेस, दैट लोन इज नोन एज कंज्यूमर लोन. तो कंज्यूमर लोन का मीनिंग क्या है? तो बैंक जब अपने कंज्यूमर को क्रेडिट देता है और वो जो क्रेडिट है, जो लोन देता है बैंक अपने कस्टमर को, वो लोन किस लिए दे रहे हैं? ताकि कंज्यूमर जो है वो गुड्स को पजेस कर सके, ताकि वो कुछ आइटम्स खरीद सके जो कि उसके एवरीडे यूज के लिए काम आती है, जैसे कार लोन हो गया या अपने घर के कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए वो पर्सनल लोन ले रहे हैं. तो दैट इज नोन एज कंज्यूमर लोन. इट इज ऑल्सो नोन एज रिटेलिंग, रिटेल लेंडिंग. तो आप जो पर्सनल पर्पजेज के लिए या फिर डेली अपने एक्सपेंडिचर के लिए जो लोन लेते हो, दैट इज नोन एज कंज्यूमर लोन. तो आप जब पर्सनल यूज के लिए या हाउस होल्ड पर्पजेज के लिए जो लोन लेते हो, बैंक जब ऐसे लोन देते हैं, दैट लोन इज नोन एज कंज्यूमर लोन. इट इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर लेंडिंग, कंज्यूमर क्रेडिट, पर्सनल लोन और रिटेल लेंडिंग. तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि कंज्यूमर को जब आप बैंक कोई लोन उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए जब कोई लोन दिया जाता है, दैट इज कंज्यूमर लोन. किस तरह के कंज्यूमर लोन मिल सकते हैं आपको, किस तरह के कंज्यूमर लोन होते हैं? तो सबसे पहला है रिवॉल्विंग क्रेडिट. तो रिवॉल्विंग क्रेडिट में क्या होता है, ये एक ऑनगोइंग क्रेडिट अरेंजमेंट होता है बैंक के साथ आपका, तो जिसमें आपको क्रेडिट जो है वो रिवॉल्विंग बेसिस पे बार बार मिलता रहता है. जैसे ही आपने एक बार पेमेंट कर दी, दोबारा फिर आपको मिल जाएगा. तो ये केस होता है क्रेडिट कार्ड के केस में. जैसे आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो क्रेडिट कार्ड में आपको मान लो 1 लाख रुपए की लिमिट मिली हुई है. जैसे ही आपने 1 लाख रुपए यूज कर लिए, तो आपको इसकी पेमेंट करनी होती है. जैसे ही आपने पेमेंट कर दी, दोबारा फिर आपको ये लिमिट मिल जाएगी. तो इस तरह आप इसको लगातार बार बार यूज करते रहते हो, दैट इज रिवॉल्विंग क्रेडिट. फिर दूसरा है फिक्स क्रेडिट. ये एक किस्म से एक टर्म लोन ही हो गया, लंबे टाइम के लिए वो लोन आपने जो लिया है, जिसमें कि बैंक आपको जो है लोन देता है फिक्स टाइम के लिए, और ये आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वापिस करना होता है. फिर उसके बाद है आपका कैश लोन. इस तरह के लोन के अंदर बैंक या जो दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको नगद में पैसे देती है, नगद आपको मनी देती है, ताकि आप अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए कोई भी गुड्स खरीद लो. जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, तो पर्सनल लोन जो है उसमें आपको आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, उस पैसों से आप जो मर्जी कुछ करिए, आपने जो भी करना है. और फिक्स क्रेडिट में क्या होगा, जैसे आपने कार लोन लिया है, तो जिससे आपने लोन लिया है उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे, आपको नगद में पैसे नहीं मिलेंगे. फिर उसके बाद है सिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन में आप कोलेट्रल के तौर पे कोई सिक्योरिटी रखते हो, इट इज सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल, तो इसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं. तो सिक्योर्ड लोन से क्या हो जाता है, क्रेडिटर को थोड़ा सा उसको संतुष्टि हो जाती है कि उसके पास कोई ऐसी आइटम पड़ी है कि अगर आप लोन पे नहीं कर पाओ तो वो उसको अपने पास रखता है. अनसिक्योर्ड लोन. अनसिक्योर्ड लोन ऐसे लोन होते हैं जिसमें कि आपको बिना किसी कोई गारंटी के आपको लोन मिल जाता है, किसी तरह का कोलेट्रल देने की आपको नीड नहीं होती है. कंज्यूमर लोन के अंदर जब भी आप कोई पर्सनल लोन या कोई आप कार लोन, एजुकेशन लोन लेने जाते हो, तो उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? सबसे पहले देखा जाता है आपकी एलिजिबल हो कि नहीं. तो एलिजिबिलिटी कैसे चेक होती है, तो उसमें आपका देखा जाता है आपकी इनकम क्या है और किस तरह का आप जो एम्प्लॉयमेंट है आपकी वो किस नेचर की है. आप परमानेंट हो या आप टेम्परेरी काम कर रहे हो, आपको कितना टाइम हो गया है, और आप रेगुलर पोस्ट पे हो, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपका पीएफ के अंदर पैसे कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है. अगर आप एक वर्किंग वर्किंग मैन या वर्किंग वुमेन हो, तो बहुत इजी रहता है लोन लेना. तो बहुत सारी चीजें आपकी देखी जाती है, उसी के बेस पे आपका लोन का अमाउंट वगैरह डिसाइड होता है. दूसरा है गारंटी. बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब भी आपको कोई लोन देती है, तो वो ये देखती है कि क्या गारंटी है कि आप पैसे वापस कर दोगे. तो गारंटी जो होती है वो आपकी हिस्ट्री होती है कि आपने ऑलरेडी जो लोन अगर कहीं से लिया हुआ है, या फिर बैंक में आपके कितने पैसे पड़े हैं, या जो आपकी जो जॉब है वही एक गारंटी है कि आप कई सालों से काम कर रहे हो.
तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या फिर जो अच्छे जो प्राइवेट कंपनी के अंदर जो अच्छी पोस्ट पे कई सालों से लगे हुए हैं, जिनका अच्छा पैकेज है, तो वो वही गारंटी होती है किस्म से। और इसमें आपका जो आपका एक सिविल चेक होता है, सिविल स्कोर होता है, एक सिविल स्कोर आपका चेक किया जाता है, तो वो स्कोर 1 से लेकर के 1000 तक के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपका जो रिकॉर्ड रहा है बैंक के साथ वो अच्छा रहा है, आपने कभी पहले लोन लिया हुआ है, तो मोर देन अगर 750 से ऊपर अगर आपका स्कोर वो आ जाता है, तो आपको लोन लेने में बड़ा इजी रहता है। फिर उसके बाद टेन्योर देखा जाता है, कितने टाइम तक आपको लोन मिल सकते हैं। तो मिनिमम आपको 3 साल से लेकर के और मैक्सिमम 5 साल तक आपको इस तरह का पर्सनल लोन मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने टाइम में पैसे वापस करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, और यूजली जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप देखोगे तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको 12% से लेकर के 14% तक पर्सनल लोन मिलता है। और अगर आप एम्प्लॉई जो है आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे हो या फिर आपने अभी जस्ट एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की है, तो आपको 16% 18% तक भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है कई बार। पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे अदर चार्जेस भी छुपे होते हैं, खासकर ये जो प्राइवेट बैंक हैं जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये आपसे बहुत सारे चार्जेस भी लेते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट चार्जेस हो गए, प्रोसेसिंग फीस हो गई, सर्विस चार्जेस भी लेते हैं, कलेक्शन कॉस्ट भी लेते हैं। तो इसमें आप इवन तक कि कुछ बैंक तो ऐसे हैं जो कि इंश्योरेंस भी कर देते हैं कि कहीं वो पैसा आपसे डूब ना जाए, उसका एक इंश्योरेंस भी कर देते हैं 5,000 रुपये का। तो एक्सिस बैंक के केस में ऐसा होता है, जैसे आपने 5 लाख का लोन लिया है पर्सनल, तो वो आपसे 7-8 हज़ार रुपये तो इंश्योरेंस के काट लेंगे, वो इंश्योरेंस कर देते हैं भी कहीं ये पैसा डूब ना जाए, तो वो भी आपके लग जाते हैं। तो बहुत सारे चार्जेस ये बैंक लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, पेमेंट जो होती है वो आपसे 4 चेक ये रख लेते हैं, पोस्ट डेटेड आप इंस्टॉलमेंट देते हो ईएमआई, और आपसे 4 चेक भी साइन करवा लेते हैं। कुछ बैंक 3 या 4 चेक आपसे साइन करवा लेती है कि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्रेडिट इवेल्युएशन कैसे होता है, इसमें आप जो भी वेरिफिकेशन डिटेल अपनी देते हो, आप जो भी डिटेल आपसे मांगी जाती है, उन डिटेल के लिए ये आपकी वेरिफिकेशन करते हैं, और ताकि आपने जो भी इनको बताया है वो सही है कि नहीं। इसमें आपकी एज है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप किस तरह की एम्प्लॉयमेंट में हो, तो आपका जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे फोन करके ये पूछता है आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, क्या क्या एसेट्स हैं आपके पास, और क्या क्या कोलेटरल एक्टिविटी आप ऑफर कर सकते हो, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। कंज्यूमर लोन के फायदे क्या क्या हैं? फायदे तो कंज्यूमर लोन के, पर्सनल लोन जैसे आप ले रहे हो उसमें आप यू कैन एंजॉय द पोजेशन ऑफ द गुड्स विच यू कैन नॉट पोजेस इफ यू आर नॉट हैविंग द पर्सनल लोन। कि एक तो ये है कि आप कोई चीज, मान लो जैसे आपको कोई चीज पसंद आ गई है और उसकी कीमत है 2 लाख रुपए, घर में आपको कोई इक्विपमेंट लेके आना है, रेनोवेशन करवानी है घर की, तो वो आप वैसे तो करवा नहीं पाओगे, तो आप लोन ले लेते हो। अब वो घर में सारी चीजें आप ले आओगे, पेमेंट आप धीरे धीरे करते रहोगे, तो आप बहुत सारी चीजों को एंजॉय करते हो। इस आजकल के इस युग में तो बहुत चला हुआ है कि ले आओ घर में, पहले पेमेंट होती रहेगी। तो दूसरा सेविंग, कंज्यूमर जो है उसको कंपलसरी सेविंग करनी पड़ती है। जैसे आपने लोन लिया और आपकी हर महीने 10,000 रुपए की ईएमआई जानी है, तो अब ये तो कंपल्सन होगी ना कि अगर ईएमआई नहीं भरोगे तो वो फिर आपकी बेइज्जती होती है, आपका स्कोर खराब होता है और आपको आगे लोन वगैरह नहीं मिलेगा, बैंक वाले आपको फोन करके परेशान करते हैं। तो इस तरह से एक सेविंग की आपकी हैबिट बन जाती है कि आप और चीजों पे खर्च नहीं करते, अपना बस इन्हीं में लगे रहते हो आप भुगतान करने में। कन्वीनियंट मोड, कंज्यूमर लोन जो है वो बहुत ही इजीली आपको मिल जाता है। जब भी आपको कोई आइटम, ड्यूरेबल आइटम खरीदनी है, तो आप जस्ट डायरेक्टली बहुत इजीली एक दिन में ही आपको लोन मिल जाएगा। मीटिंग इमरजेंसी, घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई इस तरह की कोई मैरिज फंक्शन है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कंज्यूमर लोन ले सकते हो। पर्सनल लोन जैसे आप लेते हो तो उसमें ये नहीं बताना होता कि आपको क्यों चाहिए, वो आप किसी भी काम के लिए यूज कीजिए, तो उसमें आप जो भी आपके ऊपर इमरजेंसी आई है उसको दूर कर सकते हो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यूज, ये कंज्यूमर जो लोन है उससे क्या होता है कि जो आपको गुड्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। अगर कंज्यूमर लोन नहीं होता तो वो गुड्स आपको नहीं मिल पाती। जैसे आपको कोई मशीन लेनी है, तो मशीन जब आपको, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप नहीं ले पाओगे, बट कंज्यूमर लोन की वजह से आपको मशीन मिल जाएगी, तो
तो आप उसको अपनी शॉप में लगा करके अपने रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम होता है, 2 या 3 दिन के अंदर ही आपको लोन मिल जाता है। इवन तक कि आपको बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं होती, कई बार बैंक से आपको ऑफर मिल जाते हैं, ऑनलाइन ऑफर आते रहते हैं, मोबाइल पे ऑफर आते रहते हैं, तो वो थोड़ी बहुत उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत जल्दी वो पूरी कर लेते हैं और आपको लोन मिल जाता है। कोई एजेंट या मिडल मैन की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली बैंक में जा करके, या बैंक वाले जब आपको कोई मैसेज भेजते हैं इस तरह का, तो आप डायरेक्टली बैंक से लोन ले सकते हैं। ऑल पर्पज लोन, आप किसी भी तरह का जो पर्सनल लोन लेते हो वो आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो, और विदाउट एनी कैप यू कैन यूज दिस पर्सनल लोन। तो मल्टीपर्पज होते हैं ये, और पर्सनल लोन जो होते हैं वो आपकी विश के अकॉर्डिंगली आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम पेपर वर्क होता है, मैंने आपको बताया कि आपको एक बार ही बैंक में जाना पड़ेगा, और विद इन 2-3 डेज, इवन विद इन 1 डे, अगर आपका स्कोर अच्छा है, आपकी आपकी मार्केट के अंदर अच्छी आपकी रेपुटेशन है, तो आपको विद इन 1 डे भी मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती है, ये जो आप पर्सनल लोन जो अपने इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए खरीदते हो, जैसे आपको घर में कोई वॉशिंग मशीन लानी है, बड़ा टीवी लाना है, तो अदरवाइज तो आप नहीं ला पाओगे, बट इस तरह से जब आप लेके आते हो, तो बहुत सारे लोग, बड़े शहरों में तो ज्यादातर लोग तो इस तरह से पर्सनल लोन लेकर के ही चीजों को लेके आते हैं, तो उससे उस इंडस्ट्री की बड़ी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले पैसे इकट्ठे करो फिर लेके आओ। आज की जो यंग जनरेशन है वो तो पहले चीजों को यूज करती है, फिर उसके बाद में पेमेंट कर रही है। तो ओवरऑल तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन जब बढ़ रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, सब लोगों को रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। पर्सनल स्कीम्स आपको मिल जाती हैं, बैंक वाले आपको, अलग अलग बैंक वाले आपको कांटेक्ट करते रहते हैं, और अगर आपके बैंक 4 बैंकों में आपके अकाउंट हैं, तो अलग अलग बैंक वाले आपको स्कीम देंगे, और आपकी पर्सनल स्कीम भी बोल सकते हो, वो आपके लिए है, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस को देखते हुए, आपके रिकॉर्ड को देखते हुए, वो आपकी इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करते रहते हैं। अमाउंट जो है वो आप 15,000 से लेकर के 20 लाख रुपए तक पर्सनल लोन ले सकते हो, और ईएमआई के थ्रू आपको देना होता है, और मैक्सिमम जो है आप 5 ईयर तक इसको ले सकते हैं, 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में आपको ये लोन चुकाना होता है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है बड़ा स्ट्रिक्ट है, बैंक जो है वो बहुत ज्यादा चेकिंग करता है, आपकी हिस्ट्री चेक करता है, आपकी जो मार्केट में जो आपकी रेपुटेशन है वो देखता है, आप किस तरह की नौकरी में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो या कच्ची नौकरी है आपकी, आपकी 1 साल की वो चेक करता है, बहुत सारी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करता है, तो आपकी जो फाइनेंशियल हिस्ट्री जो है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है कि आपने पहले कोई लोन ले रखा है, या फिर आपके बैंक के साथ ट्रांजेक्शन कैसी रही है, तो उसमें आपको मैंने बताया कि आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है, सिबिल की जो फॉर्म है वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, तो ये इंडिविजुअल्स का पूरा रिकॉर्ड चेक करती है, उनका जितने भी आपके बैंक में अकाउंट हैं, कहीं आपने कोई, मान लो आपने पहले एक लोन लिया हुआ है और उसकी इंस्टॉलमेंट आपने टाइम पे नहीं भरी, तो उससे आपका जो स्कोर है वो कम होता है, वो भी आपकी हिस्ट्री चेक की जाती है, और आपका एक बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है, उसी से आपकी हिस्ट्री चेक होती है और उसी से ही आपका पता लगता है। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होती है, तो जनरली आप देखेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको तो ठीक है 12% पे मिल जाएगा, बाकी जो प्राइवेट बैंक हैं वो 16%, 18%, 20% तक चार्ज करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर हिस्ट्री, डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयबिलिटी, कितना आप कमाते हो, कितने साल से आप कमा रहे हो। रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर ये जो लोन होते हैं पर्सनल, ये कोलेटरल नहीं होते, अनसिक्योर्ड होते हैं, तो अनसिक्योर्ड लोन में बहुत रिस्क रहता है, मालिक को, बैंक वालों को बहुत रिस्क रहता है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थॉटलेस बाइंग आप करते हो, क्योंकि पर्सनल लोन जो है सैलरीड आदमी को बहुत जल्दी मिल जाता है, तो वो जो एक मटेरियलिज्म आया हुआ है इंडिया के अंदर कि हर चीज घर में होनी चाहिए, वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, अननेसेसरी थिंग्स भी आप खरीदते रहते हो, जैसे महंगे आपने म्यूजिक सिस्टम खरीद लिया, घर में हर कमरे में टीवी लगा लिया, महंगा सोफा सेट ले लिया, और आपने महंगा फोन ले लिया, तो इस तरह से आप थॉटलेस बाइंग करते हो और उस ट्रैप में फंस जाते हो। कॉस्टली क्रेडिट है, कॉस्टली इन द सेंस कि जो
कन्वीनियंट बाइंग तो आती है, बट ये कॉस्टली बहुत जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होती है। आर्टिफिशियल बूम आता है इकोनॉमी के अंदर, सब लोग खरीद रहे हैं, इंडस्ट्री आगे बूम कर रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि बिना नेसेसरी चीजों का आप खरीद रहे हो और पेमेंट आप कर नहीं रहे, कल को आपकी जॉब छूट जाए या कोई बात हो जाए तो वो फिर बहुत पंगा है। बैड डेट्स भी बहुत होते हैं बैंक्स को, क्योंकि अनसिक्योर्ड होते हैं तो फिर बैंक्स के बैड डेट्स ही बढ़ते हैं, इसलिए ये जो पर्सनल लोन होता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है लेना। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आती है क्योंकि कंज्यूमर क्रेडिट जो पर्सनल लोन वगैरह है उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यूं आती है क्योंकि बूम आते रहता है, स्लम्स आते रहते हैं। बूम में तो ठीक है अभी क्रेडिट मिल रहा है सबको, बट अगर जब पूरी इकोनॉमी के अंदर जब स्लम आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, तब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर लोग पे नहीं कर पाएंगे, जब सभी की नौकरी चली जाएगी तो पेमेंट कहाँ से होगी। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो बहुत सारे लोगों की जॉब अगर चली जाए तो वो पेमेंट कहाँ से कर पाएंगे, तो वो पूरी इकोनॉमी ही हिल जाएगी उससे। उसके बाद है कार लोन। कार लोन भी एक किस्म से कंज्यूमर लोन ही है, तो इसको ऑटो लोन भी बोलते हैं या ऑटोमोबाइल लोन भी बोल देते हैं। तो कंज्यूमर जब कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है, दैट इज नोन एज कार लोन। तो कंज्यूमर जब बोरो करता है कार को खरीदने के लिए, दैट सम ऑफ मनी इज नोन एज कार लोन। तो कार लोन के जो रूल्स होते हैं वो वही सेम रूल्स और प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ता है जो आप दूसरे लोन लेने के लिए करते हो। कार लोन में आपको 100% तक फाइनेंसिंग हो जाती है, तो एसबीआई जो है वो आपको लगभग ऑन रोड प्राइस का 85% दे देता है, और कुछ एक जो आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो आपको एक्स शोरूम जो प्राइस होता है, शोरूम के अंदर जो आपका प्राइस होता है उसमें आपका आरटीओ वगैरह इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता, उसका 100% दे देता है। और एसबीआई जो है वो आपको ऑन रोड प्राइस जिसमें कि आरटीओ और इंश्योरेंस वगैरह भी ऐड होता है उसका 85% दे देता है। तो बहुत सारे बैंक 100% फाइनेंसिंग कर देते हैं, पूरी की पूरी आपको मिल जाएगा अमाउंट लोन के तौर पे। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट सिस्टम है, वो आपसे पूछते हैं कि आप कितने सालों में देना चाहते हो, ईएमआई कितने बनवाना चाहते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने इनकम के अकॉर्डिंगली ईएमआई बनवा सकते हो। पॉकेट फ्रेंडली ईएमआई होती है, आपकी जो सैलरी है उसका लगभग आप 40% तक आप लोन ले सकते हो, तो उससे आप अपनी ईएमआई अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली बनवाते हो। ये जो carbazaar.com है उस पर आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग बैंक्स कितना आपको लोन दे रहे हैं अलग अलग रेट के ऊपर, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। क्विक डिस्पर्सल ऑफ फंड्स, कार लोन आपको बहुत इजीली मिल जाता है, आपको थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, अपनी जो आपको 2 साल की इनकम रिटर्न देनी होती है, जहाँ पे आप काम करते हो उसका आइडेंटिटी कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और ये सारी चीजें आप दोगे तो बहुत इजीली आपको लोन मिल जाते हैं। स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ये डिपेंड करता है कि आप आपकी सैलरी कितनी है, आप कितने साल से काम कर रहे हो, वेदर यू आर परमानेंट वेदर यू आर टेम्परेरी, तो अलग अलग बैंक्स की रेट अलग अलग रहती है, तो वो आप देख सकते हो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंगली और आपका जो स्कोर आया है उसके अकॉर्डिंगली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग पड़ता है। जैसे आपका स्कोर जो है वो सिविल स्कोर अगर 750 से ऊपर आता है तो लगभग 1% आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाती है, जिसका 750 से कम आता है उसको मान लो 9% पड़ेगा, तो अगर आपका 750 से ऊपर है तो आपको 8% पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छी रहता है आपके लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए कार लोन लेने के लिए? एक तो आपका एज प्रूफ, उसमें आपकी 10th की मार्कशीट हो गई या कोई और जो डॉक्यूमेंट हो गया, आपका आईडी प्रूफ, आपका आधार हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो बैंक में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है उसको भरना होता है, 2 आपके फोटोग्राफ, 2 या 4 जो भी वो मांगते हैं, अलग अलग बैंक में अलग अलग होता है, आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसमें आपका राशन कार्ड हो गया, उसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया उसमें भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी आपका रेजिडेंस प्रूफ मिल जाता है, और इसके अलावा आपका इनकम प्रूफ में आप अपना जो जहाँ पे आप काम करते हो उसका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, और दूसरा जो बैंक में आप जो सैलरी आती है उस बैंक में आपकी, वो भी आपका एक इनकम प्रूफ है, लास्ट 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसमें आपको बैंक से जाकर के निकलवानी होती है और दिखानी होती है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां से आपको अपने उस बैंक मैनेजर से एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कि मेरा जो सिग्नेचर है वो यही है, तो
वो वेरीफाई करके देता है कि दिस इज योर ओरिजिनल सिग्नेचर, तो ये भी आपको देना पड़ता है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, ये 5,000 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं और विद इन 2-3 डेज आपका कार लोन अप्रूव हो जाता है। तो बैंक एम्प्लॉयज जो होते हैं, वो जो रेगुलर एम्प्लॉय होता है जिसकी इनकम अच्छी है, उसको बहुत इजीली ये कार लोन दे देते हैं। ओके, अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर आपका खुद का अगर बिजनेस है तो उसके लिए क्या है। तो सैलरीड अगर आपको, अगर आप किसी काम करते हो कहीं पे, तो मिनिमम 21 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 75 ईयर ऑफ एज तक आपको लोन मिल जाता है। और मिनिमम नेट सैलरी जो आपकी है, नेट सैलरी कह रहा हूँ मैं, वो लगभग 2.40 लाख होनी चाहिए पर एनम, मतलब 20,000 रुपये पर महीना आपकी इनकम होनी चाहिए। नेट सैलरी जो आपकी है, कट कट आगे जो आपको मिलती है, वो 20,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, तब आप कार लोन ले सकते हो। कुछ एक बैंक जो है वो इससे अलग हो सकते हैं, पर जनरली इतना मांगते हैं। लेटेस्ट आपकी सैलरी स्लिप, लास्ट 3 सैलरी स्लिप मांगते हैं 3 मंथ्स की, और आपका फॉर्म 16 जो आपका इनकम टैक्स जो आपका रिटर्न होता है, या फिर फॉर्म 16 दे दो, जिसमें कि बताया जाता है कि कितना टैक्स वगैरह कटा है आपका। 1 साल का लगभग कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट आपका होना चाहिए। अगर आपका खुद का बिजनेस है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो 18 ईयर मिनिमम एज, 75 ईयर मैक्सिमम एज। और आपका खुद का बिजनेस है तो आपका जो नेट एनुअल बिजनेस है, टर्नओवर है, वो 1.80 लाख का होना चाहिए, या फिर 2 लैक्स पर एनम होना चाहिए, ताकि आप जो है वो लोन ले सकें। तो कुछ एक मॉडल पे आपको 1.80 लाख तक का मिलेगा। अगर आपको टॉप मॉडल लेना है, तो आपका जो बिजनेस टर्नओवर जो है, नेट बिजनेस इनकम जो है आपकी, वो लगभग 2 लाख रुपए पर एनम तो आपकी इनकम होनी चाहिए, और लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न आपको देनी पड़ेगी, और लगभग 3 साल आपके बिजनेस को हो गए हो लगातार, तब आपको ये लोन मिल सकता है। फिर उसके बाद आता है एजुकेशन लोन। तो अब इतनी लाइफ इतनी अच्छी है फिलहाल, कि इतने बैंक्स हैं जो आपको प्रमोट करते हैं आपको हायर एजुकेशन के लिए। तो अगर आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं, या फिर इंडिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो आप बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्राइट, जिनको स्कॉलरशिप मिली है या जिनकी मेरिट में जो आए हैं, तो वो जो फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं थोड़े से, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं बैंक में, बैंक से। तो जो रिकॉग्नाइज कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, उसके लिए आप ले सकते हो। दे शुड बी रिकॉग्नाइज, जैसे इंडिया के अंदर जो है वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, उसकी फीस जितनी भी है वो आपको मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ है आपका। तो एजुकेशन लोन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जब भी आप एजुकेशन लोन लेते हो तो उसमें ट्यूशन फीस होती है, हॉस्टल फीस भी इंक्लूड होती है, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी की फीस भी उसमें इंक्लूड होती है, इवन तक कि बुक्स को परचेज करने हैं, इक्विपमेंट, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो इक्विपमेंट वगैरह, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, यूनिफॉर्म तक के आपको पैसे इसमें इंक्लूड मिल जाते हैं। इसमें जो बैंक, जो इंस्टीट्यूशन की जो रिफंडेबल डिपॉजिट आपसे जमा करवाते हैं, बिल्डिंग फंड जो होता है वो भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा अगर आप फॉरन में, मान लो अगर आपको यूके जाना है या कैनेडा जाना है, तो कैनेडा जाने तक के जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसिज हैं, वो भी इस एजुकेशन लोन में कवर होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप लेना है, अगर वो जरूरत है आपके एजुकेशन से रिलेटेड, जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसमें कंपलसरी है, इवन तक कि आप 2 व्हीलर भी ले सकते हो 50,000 रुपीज तक का, और एनी अदर एक्सपेंसेस जो कि उन्होंने अगर अपनी फीस में डाल रखे हैं, तो ये सारे के सारे आप एजुकेशन लोन में ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है एजुकेशन लोन लेने की, क्या क्राइटेरिया क्या है, किसको मिल सकता है लोन? तो अगर आप इंडिया में कोई हायर स्टडी करना चाहते हो, तो 18 से लेकर के 30 साल तक के स्टूडेंट को, और फॉरेन में अगर आप जा रहे हो तो 18 से लेकर के 35 साल तक के स्टूडेंट को ये लोन मिल सकता है। एडमिशन जो आपका हुआ हो वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे हुआ हो या फिर मेरिट बेस्ड हुआ हो, तो मेरिट के बेस पे अगर आपका एडमिशन हुआ है या आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है और आपकी अच्छी पोजिशन आई है, तब ये लोन आपको मिल सकता है। इनकम देखी जाती है कि आपके जो पेरेंट्स है या गार्जियन है, उनके पास एक रेगुलर सोर्स होना चाहिए इनकम का, क्योंकि बैंक ये भी तो देखता है ना कि आप अगर पे नहीं कर पाए तो कैसे फिर उसका आपसे लिया जाएगा पैसा। तो आपके पेरेंट्स की या गार्जियन की एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए, वो सैलरीड होने चाहिए, या फिर उनके पास अच्छा एक, उनके पास जमीन होनी चाहिए जिससे कि रेगुलर इनकम आ रही हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम अमाउंट आप कितना ले सकते हो, अगर इंडिया में आप स्टडी कर रहे हो तो अराउंड 10 लाख रुपीज तक आप लोन ले सकते हो, और फॉरन में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो 20 लाख तक ले सकते हो।
इंडिया में भी आप 10 लाख से ऊपर ले सकते हो। जैसे आईआईएम जो है उसकी फीस तो आजकल लगभग 17-18 लाख रुपए हो गई है, तो इंडिया में भी आप अराउंड 20 लाख तक ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और अपने दो फोटोग्राफ्स लगाने होते हैं, एक आपने जो लास्ट जो एग्जाम दिया है उसकी मार्कशीट आपको देनी होती है। जैसे आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो 12th की मार्कशीट, और अगर आप एमबीए करने जा रहे हो तो बीए या बीकॉम की मार्कशीट। फिर उसके बाद आपको एडमिशन मिल गया है या स्कॉलरशिप मिल गई है उसके आपको प्रूफ दिखाना होता है, तो मुझे ये एडमिशन मिल गया है या स्कॉलरशिप मिल गई है, और कितने एक्सपेंसेस हैं, क्या शेड्यूल रहेगा उनका, पहले साल कितना खर्चा है, हॉस्टल फीस कितनी है, वो सारे का सारा आपको दिखाना होता है, साथ में कॉपी लगानी होती है, और 6 मंथ में आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी 6 मंथ की स्टेटमेंट, तो इसमें आपका नहीं आपके पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स के बेस पे ही आपको लोन मिल रहा है, तो पेरेंट्स या गार्जियन जो होते हैं उनके 6 मंथ की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी होती है, और लास्ट 2 ईयर्स की आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी होती है, और प्रूफ ऑफ इनकम क्या है, उनको इनकम कहाँ से आती है उसका भी आपको दिखाना होता है पेरेंट्स का, और आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है पेरेंट्स और गार्जियन की उसकी भी स्टेटमेंट देनी होती है। उसमें आपको आपके बैंक अकाउंट में कुछ बैंक्स मांगते हैं कितने पैसे होने चाहिए, आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज भी देखते हैं, और आपका अगर आपका वीजा लग गया है तो उस वीजा की और पासपोर्ट की एक कॉपी। एजुकेशन लोन के फायदे क्या हैं? फायदे तो देखो बहुत हैं, जो अगर आपका एक सपना है अच्छी एजुकेशन लेने का, और अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं और फाइनेंशियली बैकवर्ड एरिया से आते हैं, बैकवर्ड आपकी पोजीशन बैकवर्ड है थोड़ी सी फाइनेंशियली, तो आप तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बैंक की मदद ले सकते हैं, तो बैंक जो है वो आपकी जो फाइनेंशियल नीड है उनको पूरा करता है, मदद करता है। बैंक लोन जो है वो आपका बड़े ही इजिली आप रीपे कर सकते हो, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, कि आप जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपसे बैंक पे मांगना स्टार्ट करता है, उससे पहले आपसे नहीं लेता है, और उसमें भी आपसे ईएमआई वगैरह जो होती है वो आपसे डिस्कस करके बनाई जाती है कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली सेट की जाती है ईएमआई। तो इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और सारे बेनिफिट जो है वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं इस एजुकेशन लोन के अंदर। डीमेरिट्स क्या है? जो अलग अलग बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स की जो बैंकिंग हिस्ट्री है वो कैसी है, उनका रेगुलर इनकम सोर्स है या नहीं, आप कौन से इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हो, क्या चांसेस हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट वहाँ जल्दी मिल जाएगी एजुकेशन कम्प्लीट होने के बाद, और अगर स्टूडेंट को जॉब नहीं भी मिलती है तब भी आपको लोन तो रीपे करना ही पड़ेगा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो जनरली क्या होता है कि जो आपकी रीपेमेंट जो स्टार्ट होती है वो आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के 1 साल के बाद अंदर अंदर स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होना पेमेंट जो होती है वो 1 साल तक का आपको टाइम मिलता है, और इसमें और अगर आप जॉब जल्दी लग जाते हो तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको देना स्टार्ट करना पड़ता है अपना जो लोन का अमाउंट है वापिस। तो बाय चांस अगर आपको जॉब नहीं मिले तब भी आपको रीपेमेंट तो करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो जॉब मिली है उसकी जो आपको सैलरी मिलती है वो बहुत कम में आपको सिलेक्ट हुए हो आप, तब भी आपको जो ईएमआई है वो तो लोन के अकॉर्डिंगली आपको सेट करनी पड़ेगी, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरा ये है कि स्टूडेंट जो है वो लॉन्ग टर्म डेट के ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि जब आपने अपनी मान लो एमबीए स्टार्ट की, तो एमबीए स्टार्ट करते से ही आपने मान लो 15 लाख का लोन ले लिया, तो ये ही आपके ऊपर एक प्रेशर चढ़ गया है कि आपको 15 लाख का लोन वापस करना है। फिर आप हमेशा यूँ सोचते हो कि मुझे तो अब नौकरी करनी करनी है, तो फिर आप अंडर प्रेशर रहते हो, तो ये भी एक नुकसान है इसका। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट मी।